बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त मेहमान भाई सब खैरियत से होंगे। उम्मीद दुआ के अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और खैर आबाद रखें। आज का जो है व्लॉग ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आज में एक कंप्यूटर है और एक पीछे वो सिस्टम पड़ा है, लैपटॉप पड़ा हुआ है। दोनों को चेक करना है क्या क्या इशूज़ हैं, वो इस वीडियो में आपको कन्फर्म पता लग जाएगा। लैपटॉप के मैं बायोस को अपडेट कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो पहले 2013 की इसके अंदर अपडेट है, HP की कंपनी की तरफ से 2019 की अपडेट आ गई है। इस लैपटॉप के अंदर 2019 की अपडेट बायोस जो है इंस्टॉल करेंगे ताकि कोई और प्रॉब्लम ना आए। तो अगर ये आपने देखें तो ये एक लाइन जो है ये बिल्ट इन, जैसे कि इसके अंदर बिल्ट इन स्टोरी कह रहा है, ये कोई दबा ही है। दबाने की वजह से इसका जो विजय केबल है वो बिल्कुल ठीक है, डिस्प्ले केबल ये LED के अंदर लाइन है। तो इसका हल यही है कि LED चेंज करें, लेकिन अभी कोई इतनी ज़्यादा गहरी लाइन नहीं है जो कि इसकी LED हम चेंज करें। तो BIOS का ड्राइवर अपडेट करना चाहिए। आप भी अपने सिस्टम की BIOS जो है सेम डाउनलोड करके उसको आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया करें, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट आपकी ये डिवाइस होती हैं, आपके ये कम्प्लीट सिस्टम को जो है चलने में बहुत मदद देती हैं। तो ये आपने BIOS को लाजमी डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपका सिस्टम का मॉडल हो। मॉडल देखने के लिए आपको मैंने बताया विंडोज़ R का बटन आपने प्रेस करना है। यहाँ पे आपने DXDIAG लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप यस करेंगे। आप देखें तो HP का लैपटॉप है। HP.com पे आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इस लैपटॉप के ड्राइवर। यहाँ पर आप देखें तो HP ProBook 450G0 इसका मॉडल है। सेम मॉडल मैंने लिख के गूगल से जो है HP.com पे जाने के बाद मैंने ड्राइवर इसका डाउनलोड किया है। अब BIOS को अपडेट करेंगे। अगर आप देखें तो 1280 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, ये कंप्लीट अपडेट हो गए BIOS। किस तरह अपडेट होगी ये वीडियो में आप देख लें। BIOS अपडेट पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कोई अजाफी इसके साथ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल ना करें। BIOS जब भी अपने लैपटॉप पे या कि आप अपने सिस्टम पे BIOS को अपडेट करें तो ये 1280 जो डिजिट हैं वो कंप्लीट होने के बाद ये टाइम है। आपने सिस्टम को कंटिन्यू पे नहीं क्लिक करना, आपने सिर्फ ये टाइम ऑन रहने देना। जैसे ये ज़ीरो पे होगा आपका सिस्टम खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा जैसे वो डिजिट कंप्लीट हुए हैं आपका सिस्टम ऑटो रीस्टार्ट हो गया। सिस्टम को आपने ऑफ नहीं होने देना, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो आपकी BIOS करप्ट हो जाएगी। BIOS करप्ट होगी तो आपको BIOS बाहर से करवानी पड़ेगी मार्केट से, क्योंकि BIOS चिप जो है उतार के करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखें तो ये लिखा हुआ है BIOS कन्फिगर, ठीक है। ये BIOS चिप होती है जो कि वो उतारते हैं, फिर इसकी जो है BIOS अपने डिवाइस के अंदर लगा के फिर करते हैं। लेकिन ये एक सिस्टम है, इसी तरह लैपटॉप के मदरबोर्ड के भी अंदर एक BIOS होती है जो कि प्रॉब्लम आपको करती है। अभी आप देखें रीस्टार्ट हो रहा है, तो रीस्टार्ट होने के बाद ये कुछ डिजिट हैं ये भी BIOS में अपडेट होंगे, ये सारी सेटिंग। फिर सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है आप, अभी रीस्टार्ट होने के बाद सिस्टम डेस्कटॉप पे आएगा। BIOS जब भी अपडेट करनी है आपका CMOS बैटरी सेल भी बिल्कुल ओके होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वीक होगा आपका BIOS जो CMOS बैटरी सेल है तभी आपकी BIOS जो है सेव नहीं हो सकेगी। ये सिस्टम जो है काफ़ी पुराना है आप देख सकते हैं, और इसकी तीनों रैमें जो है ख़राब है। अगर इसकी पावर केबल उतार के दोबारा लगाते हैं तो अभी रैमें भी आप देख रखे हैं कि तीनों उतारी हुई हैं और सिस्टम जो है बीप दे रहा है। बीप देने का मकसद ये होता है कि आपका जो सिस्टम है ये बोर्ड इसका ओके है, जो कि मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, और इसकी ये मेन चिप है ये भी कोई हीट नहीं हो रही, और इसकी सिर्फ रैमें जो हैं ख़राब हैं, उसकी वजह से ही ये सिस्टम का जो डिस्प्ले नहीं आ रहा। बकाया बोर्ड ओके है क्योंकि बीप दे रहा है बोर्ड। फिर मैं इसको ये देखें ये मैंने उतारी है, और आपने भी अगर अपना सिस्टम चेक करना है तो ये बीप आप देखिएगा। ये 3 बीप हैं, आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि अगर आपके सिस्टम पे 3 बीप आ रही हों तो आपका जो लैपटॉप है या कि आपका जो कंप्यूटर का बोर्ड है उसका बोर्ड का इशू नहीं होगा। बीप अगर आ रही हो आपकी रैम का इशू होगा। अभी रैम जो है मैंने तीनों चेक की हैं, तीनों रैम का ही इशू है जो कि डिस्प्ले नहीं दे रहा। रैम मैंने लगाई है, सिस्टम ऑन किया है, ऑटो ऑन हुआ है, और डिस्प्ले कोई नहीं है। इसकी BIOS भी है जो वो भी रीसेट करके देख लेते हैं। अभी BIOS के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि आपने सेल उतारना है और जम्पर उतारना है, और दोनों चीज़ें उतारने के बाद आपने अपने जो है
इसको थोड़ी देर के लिए बंद रखें 30 सेकंड के लिए, फिर दोबारा ऑन करें तो बायोस आपकी रीसेट हो जाएगी। बास का क्या होता है कि बायोस का करप्ट होने की वजह से भी आपका सिस्टम डिस्प्ले नहीं देता। ये सेल है और ये जंपर है, यहाँ पे लिखा भी होगा बायोस कन्फिगर। 30 सेकंड के लिए उतार के रखना है आपने। सेल अगर देखें तो सेल बिल्कुल डेड है, बायोस सेल सी मोस्ट बैटरी सेल। 30 सेकंड के करीब हो गए, अब इसका जो है मैं सेल लगा रहा हूँ और जंपर भी लगा रहा हूँ। पावर ऑन की है, रैम आपने देखना है कि रैम आपकी टाइट लगी हो, दोनों ग्रिपें जो है वो बंद होनी चाहिए, कोई डिस्प्ले नहीं है और ना ही कोई इसके ऊपर। ये सिस्टम ने कोई डिस्प्ले दे रहा है, रैम साफ़ करके भी देख लिया है, बायोस भी रीसेट करके देख लिया है और रैमें भी चेंज करके देख ली है, जो तीनों इसके साथ रैमें थी, क्योंकि इसका कंफर्म है कि या तो इसकी रैम का इशू है या बोर्ड का है। लेकिन अभी कंफर्म करने के लिए हमें रैम ओके चाहिए होगी, जो इसके ऊपर लगाएंगे तब कन्फर्म होगा कि इसकी रैम का इशू है या कि इसके बोर्ड का इशू है। तो वीडियो में आपने बने रहना है, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहा है, एक लैपटॉप, एक सिस्टम, एक ऑल इन वन पीसी जो मैंने रेडी किया है। और अगर आपने मेरे ऑल इन वन पीसी की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। एचपी का ऑल इन वन पीसी है जिसको के कंप्लीट विंडो की है और सभी सॉफ्टवेयर्स में किए हैं, ड्राइवर्स किए हैं, जहाँ से वो सिस्टम के ड्राइवर्स या के उसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं वो कंप्लीट आपको वीडियो में लिंक है, ठीक है। आपने अगर वो करना चाहते हैं ऑल इन वन पीसी को रेडी, या सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो आपको उस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, कम से कम भी इसको 20 से 25 साल पुराना ये सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर जो रैम लगी हुई है DDR1 रैम है। और ये हमारे जो ड्राइवर भाई हैं यहाँ पे बाहर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, उनका सिस्टम है। तो अभी उनको मैंने बताया कि आपकी जो है ना, मैं भी कंफर्म चेक कर लूँ इसका कि इसके बायोस का मसला इसकी बोर्ड का मसला है या कि रैम का, क्योंकि इनकी रैम जो है काफ़ी पुरानी है। मेरे पास ऐसे जितने भी सिस्टम पड़े हुए हैं वो सभी लेटेस्ट हैं, उनके अंदर DDR3 है या DDR4 रैम है, ये DDR1 रैम है। इसके लिए मुझे रैम जो है कहीं से रेंज करनी पड़ेगी, तब ही ये सिस्टम जो है कन्फर्म चेक होगा। तो अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ऊपर एक सिस्टम पड़ा हुआ है, वो आप देख रहे हैं स्मॉल वाला, वो भी जो सिस्टम है उसके अंदर भी DDR2 की रैम लगी हुई है। तो अभी बस इसी तरह वेट करके कोई ना कोई रैम ट्रेस करूँगा आज या कल में, तो ये वीडियो शायद आज बने या कि कल बने, आपने सिर्फ वीडियो में बने रहना है। इस सिस्टम की जो रैम है वो भी 22 से मंगवा ली है, ये आप देखें तो 1 GB की रैम है, बताया सारी ये जो रैम है कोई 256 की है या 512 MB की है। रैम लगाने के बाद भी सिस्टम ने डिस्प्ले कोई नहीं दिया, प्रोसेसर इसका साफ कर लिया है, ये कंप्लीट इसकी सारी क्लीनिंग कर ली है नीचे से जो प्रोसेसर का होता है, हीट सिंक वगैरह हर चीज़, लेकिन डिस्प्ले नहीं आया। इस सिस्टम के मदरबोर्ड का ही इशू है। तो ये जो है अभी इस सिस्टम को मैंने पावर सप्लाई भी लगा के चेक कर ली है, वहाँ पे सप्लाई आप दे सकते हैं, सप्लाई लगाने के बाद भी ये सिस्टम ने डिस्प्ले बिल्कुल नहीं दिया। विंडोज़ 10 अगर आपको इंस्टॉल नहीं करनी आती है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर पॉपअप मेनू में भी आपको जो है नज़र आ जाएगा कि आपने विंडोज़ 10 किस तरह इंस्टॉल करनी है और किस तरह के इसके ड्राइवर्स वगैरह जिस वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो शेयर की होगी वो भी आपको मिल जाएगी। आपने सिर्फ करना क्या है कि आप जो भी चैनल पे न्यू होंगे उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।